रामदेव महाराज की जय, वाहेगुरु जी की जय, वाहेगुरु जी सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहे सामने देखो अमृतपाल भाजी हाथ में बुलाओ चले जाओ चले जाओ 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 पूछो ना प्रफुल्ला बुखारी और ये जो यात्रा का सारा प्रोग्राम एक मिनट हाँ चलो सुनिए जी चरण पवार जी ये पंजाब से अपनी जगह लगन आई आप सबका लिखा इससे कैंसिल होता है लेकिन हम शराब पीना हानि करके लेकिन हम तो जलेंगे आज से जो मैं हराम की कमाई है वो नहीं लूंगा आज से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा आज से शब्द अपने हृदय में बसाऊंगा तो प्रण करके जाए तो प्रण सफल कैसे होगा पालना गुरु हमारे सर पे हाथ रख के करवाएगा भगवान के दर पे अरदास कर सकते हैं कि भगवान तुम्हारे दर पे अरदास है मंत्र औखध हर नाम तो हम मूल मंत्र का जाप करेंगे ताकि वो औखध हमारे गले से नीचे जाए और हमारा प्रण जहाँ पे सफल हो ताकि वो हमारे गले से नीचे उतर जाए अपने हाथ जोड़े नेत्र बंद करें ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वं सतनाम करता पुरुष निर्भव वाहिगुरु जी की फतेह नानक साहिब फाउंडेशन वालों तकरीबन 9 साल तो नामदेव जी जी घुमान यात्रा करते ने पंजाब विच अते महाराष्ट्र विच भाईचारा निर्माण करने वास्ते सारा कोशिश करते ने आज तक 9 साल तो इन्होंने काफ़ी बंदियां नू दर्शन की है उत्थे संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार तख्त सचखंड हजूर साहिब बाबा नरिंदर सिंह जी बाबा बलविंदर सिंह जी इन्हों का आशीर्वाद लेके भगत नामदेव जी का जो जन्म स्थान हैगा नरसी नामदेव उत्थे सारे इकट्ठे होके 24 तारीख तो चले ने आज इत्थे सारे होंदे हुए दिल्ली करनाल पानीपत कुरुक्षेत्र आनंदपुर साहब नैना देवी ये सारे स्थान के दर्शन करते हुए आज असी दरबार साहब हरिमंदर साहब नतमस्तक होकर पहुँचे ने सर श्री पंडरीनाथ बोकारी जी जेडे नानक साहिब फाउंडेशन के फाउंडर है वो अपना पूरा जथा सेवा करने वास्ते पंजाब ते महाराष्ट्र का भाईचारा निर्माण करने वास्ते उन्होंने जी जान तोड़ के कोशिश की हैगी सारियां नूं उन्हां दा एक ही मतलब है सरबत दा भला अते सर्व सांझी वारसा ये सारे संगतां नूं दसदे हैगे ने अते पंजाब दी जिहड़ी विरासत हैगी इतिहास हैगा हिस्टरी महाराष्ट्र जी का नामदेव जी का जड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द हैगे ने नामदेव जी दे 61 शब्द उन्होंने मराठी ट्रांसलेशन करके बोकारी जी सारे बताते हैं शब्द कीर्तन गाँवते हैं ये सारे प्रचार करते हैं भूलते हुए भूल चुका थी माफी हुई तो आप जी तो माफी चाहता है जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की अपना नाम बताते जी जी कथा पहुंचे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं पंडरीनाथ बोकारे चेयरमैन नानक साहिब फाउंडेशन भगत नामदेव गुमान यात्रा का मैं प्रधान हूँ हम हजूर साहब से 24 तारीख को निकले हैं आज हम गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं हमारा पूरे पंजाब में दिल्ली में हिमाचल में हमारा इस यात्रा का बड़ी पैमाने पर स्वागत हुआ पंजाब और महाराष्ट्र में संत नामदेव जी ने जो 750 वर्ष पूर्व जो भाईचारा बढ़ाया मजबूत भाईचारे की सांझ यहाँ पर खड़ी की है उसी को आगे मजबूत करने का काम हमारी नानक साहिब फाउंडेशन इस गुमान यात्रा के माध्यम से कर रही है तो SGPC हो या दिल्ली प्रबंधक कमेटी हो या अन्य सभी धार्मिक संस्था है पंजाब की पंजाब सरकार है
खुद भगवंत मान भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो सभी का प्रेम पंजाब में मिल रहा है। इसलिए हम पिछले 9 साल से पंजाब आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 11,000 लोगों को पंजाब का दर्शन कराने का, मराठी लोगों को। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश से आते हैं, तो गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के धरती को हम नतमस्तक करने को आए हैं। पूरा कल्चरल हमारे को यहाँ समझ लेना है, यहाँ की सिस्टम क्या है, यहाँ के पंजाबी भाई कितना प्रेम करते हैं, वो भी हम लोग हमारे लोग उसका आनंद ले रहे हैं। पूरा अच्छा माहौल आज पंजाब में है। पंजाब के भाइयों को भी हम ये विनती करते हैं कि वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है नांदेड़ हजूर साहब, वहाँ आए हमारी संस्था आपका स्वागत करने के लिए। डे नाइट हम वहाँ काम करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप यहाँ आए हैं, भगवान की तरफ जाएंगे वापस के वापस? नहीं नहीं, हम लोग दिल्ली से बाय रोड आ रहे हैं। हमने दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, अनंतपुर साहिब, नैना देवी, भगवान आंगन डैम करते करते हम लोग कल गुमान गए थे। बाबा नामदेव जी के चरणों को स्पर्श किया हमने, वहाँ पर हमने उनका आशीर्वाद लिया। वो एक हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, नामदेव जी महाराज एक राष्ट्रीय एकात्मता के एक प्रतीक है। उनको हमने नमस्कार किया, अचल धाम फिर बटाला होते हुए रात में हम अनंतपुर साहब पहुँचे हैं। आज यहाँ गोल्डन टेम्पल का माथा हम टेक रहे हैं। और हमें जो स्वर्ग से सुंदर एक कहावत है, बस स्वर्ण मंदिर बोले तो स्वर्ग से सुंदर है यहाँ की। और यहाँ का SGPC की कमेटी है, ये भी पूरा सहयोग करती है। निवास का है, लंगर का है, पूरा प्रबंध लोगों ने किया है। नांदेड़ के जो संत है लंगर साहिब गुरुद्वारे के मौजूदा मुखी संत बाबा नरेंद्र सिंह जी एवं संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इनके आशीर्वाद से हम पंजाब आते हैं। उनका पूरा सपोर्ट हमारी इस यात्रा को है और आप लोगों का भी है। पंजाब का मीडिया भारत में सबसे अच्छा मीडिया है। ना मेरी जान है, ना पहचान है, ना मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बस मैं एक सेवक हूँ। आप हजूर साहब आइए और मेरी सेवा दे आपको, आपके साथ चरणों में रखने की ज़रूर मौका दो। आज तक हमारे नानक साहिब फाउंडेशन और पंजाब के 3 से 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी गांव में जाओ, इस यात्रा का बड़े पैमाने पर स्वागत होता है। ठीक है।